दोस्तों, आप लोगों ने कई जगह पर ऐसा देखा होगा कि आप जब दरवाजे के सामने जाते हैं तो दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है। नल के नीचे हाथ रखने पर नल से खुद ही पानी आने लगता है। आपके नॉर्मल लाइफ में भी आपने ऐसी कई सारी चीजें देखी होगी, जैसे कि डिजिटल क्लॉक, डिजिटल नोटिस बोर्ड जिसके ऊपर आप नोटिस पढ़ते हैं, ड्रोन, रिमोट कंट्रोलर कार, घर की लाइटें खुद ही ऑन ऑफ हो जाना। अगर आप ही ये सब चीजें बनाना चाहते तो आपके लिए बहुत काम की चीज है ये आर्डिनो। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या है ये आर्डिनो। मैं हूं आपका होस्ट अभिषेक कलसरिया। शुरू करते हैं टेक की बात हाईटेक के साथ। आर्डिनो, आपने ये वर्ड बहुत बार सुना होगा, तो क्या है ये आर्डिनो? ये एक बहुत छोटा सा कंप्यूटर ही है। कंप्यूटर के अंदर माइक्रो कंट्रोलर एंड माइक्रो प्रोसेसर लगाया हुआ होता है। सेम आर्डिनो भी एक माइक्रो कंट्रोलर ही है। यहाँ पर कंप्यूटर की बात करें तो उसमें बहुत ही हैवी कंट्रोलर लगे हुए होते हैं, जिसको प्रोग्राम करना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। पर आर्डिनो को आप बहुत ही आसानी से जैसा चाहे वैसा प्रोग्राम कर सकते हैं और आप अपना मनचाहा प्रोजेक्ट बना सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, कोड लिखिए और आपका प्रोजेक्ट तैयार। यहाँ पर हम आर्डिनो के स्पेसिफिकेशन की बात करें तो किसी भी माइक्रो कंट्रोलर के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि उसमें कितने इनपुट और आउटपुट पोर्ट्स लगे हुए हैं। तो आर्डिनो में भी आपको बहुत सारे इनपुट और आउटपुट पिन मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको सीरियल पोर्ट मिलेगा जो कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए बहुत ही काम आएगा। I2C और SPI पोर्ट की मदद से आप किसी भी कंट्रोलर को कंट्रोल कर सकते हो। आपको एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन के लिए पोर्ट मिल जाएगा, जिसकी मदद से आप किसी भी एनालॉग सेंसर्स के रीडिंग रीड कर सकते हो। PWM सिग्नल जनरेट करके आप DC मोटर और सर्वो मोटर को भी कंट्रोल कर सकते हो। और तो आर्डिनो की अपनी IDE यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, यानी उसका खुद का ही सॉफ्टवेयर है। उसमें कोड लिखना बहुत ही आसान है। अगर आप कोड लिखने में एक्सपर्ट नहीं है तो भी आप उसमें बहुत ही आसान तरीके से अपना कोड लिख पाएंगे। आर्डिनो में आपको बहुत सारे अलग अलग तरह के बोर्ड मिल जाएंगे, जैसे कि आर्डिनो मेगा, आर्डिनो उनो, आर्डिनो नैनो, आर्डिनो लियोनार्डो और भी बहुत सारे बोर्ड्स अवेलेबल हैं। अगर आप एक बिगिनर है तो आप आर्डिनो उनो ही लीजिए, क्योंकि उसमें आपकी जरूरत के हिसाब से सारे स्पेसिफिकेशन मिल जाएंगे। सब बोर्ड में काम करने का तरीका एक ही है। एक बार आपको आर्डिनो पे काम करना आ गया तो आप अपना मनचाहा प्रोजेक्ट बना सकते। रिमोट कंट्रोलर कार से लेकर वॉइस कंट्रोल्ड होम ऑटोमेशन, मल्टीमीटर से लेकर डिजिटल वॉच, राइटिंग मशीन से लेकर 3D प्रिंटर तक की कोई भी चीजें बना सकते। यहाँ पर आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आर्डिनो में कोड लिखना है, आपका प्रोजेक्ट तैयार। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आर्डिनो की सीरीज, जिसमें आपको आर्डिनो के बारे में A to Z इन्फॉर्मेशन दी जाएगी और इस वीडियो को देखकर आप आर्डिनो के साथ अपना मनचाहा काम कर सकेंगे। आने वाले वीडियो में हम आर्डिनो का यूज करके रियल लाइफ प्रोजेक्ट पे काम करना सीखेंगे। दोस्तों, आर्डिनो के सारे वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।